और चंडीगढ़ पटाखे पूरी तरह नाल बैन कर दिए गए ने। इस बार ग्रीन दिवाली भी नहीं मनाई जाएगी। फॉरेस्ट डायरेक्टर दबेंद्र दलाई ने पीटीसी न्यूज़ नाल खास गल करदिया कहा है कि दिवाली खुशियां दा त्यौहार है ते इस मौके प्रदूषण फैलाउण तो गुरेज करना चाहिए। इस बार चंडीगढ़ के अंदर कोई भी किसी भी तरीके से टोटली अगर पटाखे बैन किए गए तो पॉल्यूशन कि ज्यादा इस बार घाटा जरा कि मापिया जाएगा। अभी गल कर सर, वेलकम टू पीटीसी। इस बार सर कहा गया है कि जिस तरीके के साथ ग्रीन दिवाली मनानी है और ग्रीन पटाखे, बेसिकली है क्या ग्रीन पटाखे, ग्रीन दिवाली है क्या, लोगों को कैसे पता चलता है? देखिए चंडीगढ़, जहाँ तक चंडीगढ़ की बात है, चंडीगढ़ में हम लोगों ने पटाखे को पूरी तरह बैन कर रखा है, नॉट इवन ग्रीन पटाखा। और ग्रीन पटाखा डेफिनेटली लेस पोल्यूटिंग होता है बाकी पटाखे से, लेकिन पिछले साल का जो पोल्यूशन था और इस साल का जो कोविड सिचुएशन है उसको नज़र में रख के चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पटाखे को पूरी तरह बैन कर रखा है। अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे कि पटाखे फोड़ने से और ना फोड़ने से क्या फ़र्क पड़ता है, अगर पिछले 3 साल का डाटा देखेंगे जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उससे देखेंगे दिवाली के 3 दिन पहले, हमारा तो रोज़ का होता है, एवरी डे का AQA आता है, लेकिन अगर आप देखेंगे 3 दिन दिवाली से 3 दिन पहले 2017, 2018, 2019, 3 साल का फिगर मेरे पास है, जैसे 95 से 100 के आसपास AQI रहता था 3 दिन पहले दिवाली का, अगले दिन फिर से वही 95 से 100, फिर दिवाली के दिन या तो दिवाली से 1 दिन पहले भी लोग जो है पटाखे फोड़ना शुरू कर देते हैं और ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, फिर वो 198 के आसपास पहुंच गया। इवन जैसे 2019 में लास्ट ईयर इट हैज़ गॉन टू 314 चला गया, जो वेरी पुअर कैटेगरी में है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने ये बैन किया है यहाँ पे, जिसको लोगों ने काफ़ी वेलकम किया। सर अगर इस बार की, जैसे आपने कहा कि हर बार का इंडेक्स चेक किया जाता है, AQI हर बार चेक की जाती है दिवाली से पहले, क्योंकि सर दो दिन बाद दिवाली है, अगर इस बार की बात की जाए तो कितना पॉल्यूशन, कितना चीज़ों को मापा जा रहा है और कितना कम जो क्वालिटी है वो देखी जा रही है? देखिए एयर क्वालिटी अभी अगर पिछले कुछ दिन का देखेंगे तो 100-120 इसके आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स था। पिछले कुछ दिन से जैसे थोड़ी सी ठंड बढ़ गई तो 150 के आसपास आ गई। तो दिवाली, अगर दिवाली में हम लोग पटाखे इस बार नहीं फोड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिप नहीं हुआ, जो बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, तो इसी लेवल में पॉल्यूशन रहेगा। किसी भी तरीके का कोई पटाखा, भावे ग्रीन पटाखा हो, भावे आम पटाखा हो, कोई भी चंडीगढ़ में नहीं जलाया जाएगा ताकि साड़ा वातावरण सुरक्षित रहे ते असी भी सुरक्षित रहें। कैमरामैन सुमित कलेर, अमनप्रीत कौर, PTC न्यूज़, चंडीगढ़।